पिछले 24 घंटे से अमेठी कांग्रेस कार्यालय में बैठकों का दौर जारी है। सत्याग्रह, धरना प्रदर्शन, गांधी परिवार के लड़ने की मांग, लेकिन 24 घंटे के इस प्रदर्शन और बैठकों के बाद भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सूचना नहीं मिल सकी कि यहां से कौन लड़ेगा, नेहरू गांधी परिवार या और कोई। धीरे धीरे कार्यकर्ता भी प्रदर्शन और मांग के बाद निराश होते नजर आ रहे हैं। बैठकों के बाद शाम को कांग्रेस के पूर्व MLC दीपक सिंह जी हैं, जो कि KL शर्मा जी के साथ लगातार बैठक कर रहे थे, सोनिया गांधी के प्रतिनिधि के साथ, और अब कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। दिन भर के गहमागहमी के बाद करीब सन्नाटा सा पसरता नजर आ रहा है कांग्रेस कार्यालय में। क्या लगता है, प्रत्याशी की घोषणा कर देनी चाहिए? देखिए, 3 तारीख नॉमिनेशन की डेट तय हो गई है। ये तय हो गया है कैसे हम नॉमिनेशन करेंगे, कहाँ से निकलेंगे, कितने बजे पहुँचेंगे, तो चीज़ें स्पष्ट हैं। कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है, भीड़ भाड़ के साथ कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है, रणनीति के साथ। तो जो कांग्रेस पार्टी की स्टैंड अप चल रही थी, अब हमें लगता है उस पर सफल हुई है और 3 गो नॉमिनेशन करेंगे। भैया, बारात के निमंत्रण कार्ड बांट दिए गए हैं, गाड़ियों के बयाना तय कर दिया गया, DJ की भी तैयारी कर ली गई, लेकिन दूल्हा कौन होगा इसकी तो अभी जानकारी ही नहीं। कैसे इतना सब कुछ हो गया? ये पंजा होगा दूल्हा, सभी जान रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का नॉमिनेशन होगा, अमेठी की जो जनभावनाएँ हैं, जनभावनाओं का आदर होगा। कार्यकर्ता थोड़े निराश होते नज़र आ रहे हैं, उनकी आवाज़ बैठती हुई नज़र आ रही है। इतने दिनों से मांग कर रहे हैं, जब से चुनाव की घोषणा हुई और प्रत्याशी अभी तक नहीं दिखा। कौन होगा प्रत्याशी? आप ही कम से कम संभावित एक प्रत्याशी। जिस तरह से लोगों में उत्साह है, हज़ारों कार्यकर्ताओं ने बैठक की, लोगों से मुलाकात की, उस बैठक और मुलाकात से ये चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं कि अमेठी में जोश है, अमेठी में पूरी ताकत के साथ लड़ने की तैयारी है, और यकीनन जिसको अमेठी चाहती है, अमेठी रायबरेली के लोग चाहते हैं, वही हमारा प्रत्याशी होगा। लेकिन अमेठी रायबरेली को लेके इतनी देरी या कहें या आखिरी समय में प्रत्याशी घोषित किया जाएगा, जैसे कि 2 दिन बचे हैं, तो ऐसे लेकर के चुनाव तो थोड़ा मुश्किल होगा ना। रणनीति है, कांग्रेस पार्टी की रणनीति थी और अपनी रणनीति में कांग्रेस पार्टी सफल है। यकीनन जो कांग्रेस पार्टी ने प्लान किया था, भारतीय जनता पार्टी फंसी प्लान में। आप देखिए ना, पूरे देश में चर्चा किस सीट की है? अमेठी की चर्चा है। पूरे देश में चर्चा किसकी है? राहुल गांधी जी की है, प्रियंका गांधी जी की है। मीडिया जो स्पेस मंगलसूत्र हिंदू मुस्लिम इन तरफ भागता था, वो थमा है ना। मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी चौंकाना चाहती थी और कांग्रेस पार्टी मुद्दे पर लेकर आई है। पूरे देश में घूम घूम कर बता रही है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार थी जिसने काम नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार थी जिसने पूरी तरह से वादा खिलाफी की है, झूठ बोला है, दंगे कराने की साजिशें की है। तो कांग्रेस पार्टी एजेंडे पर थी, एजेंडे पर है और एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन एक बार आता है कि गांधी परिवार जो है वायनाड से चुनाव लड़ने के बाद अमेठी और रायबरेली की सीट पे नहीं लड़ेगी, फिर बात होती है कि राहुल गांधी अमेठी से, कभी बात होती है राहुल गांधी रायबरेली से, कभी प्रियंका के लिए अमेठी से, कभी रायबरेली से। क्या है रणनीति, क्या है वास्तव में कांग्रेस की? सारे चैनलों की बाइट निकाल लिए चलाए हैं, वो अपने ही खबरों का खंडन करते रहते हैं। लेकिन एक चीज़ स्पष्ट है, जो रणनीति कांग्रेस पार्टी की थी उसी रणनीति के हिसाब से आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ेगी। अगर गांधी परिवार यहाँ से चुनाव लड़ता है तो कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह देखा जाएगा? जबरदस्त उत्साह है। गांधी परिवार और अमेठी परिवार एक परिवार का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है, और सब चाहते हैं और सब जानते हैं, वो हमेशा कायम रहेगा। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की कमी है, गांधी परिवार यहाँ 5 साल नहीं आया, इससे जो है चुनाव में मुश्किलें दिखी। हमेशा आया, राहुल जी आए हैं, प्रियंका जी आई हैं, राहुल जी की मदद आई है, राहुल गांधी की मोहब्बत आई है। अभी तो 2 महीना पहले गए हैं, आके आते ही रहे हैं राहुल गांधी जी, कब नहीं आए हैं। ठीक है, एक दुष्प्रचार जिसका जवाब कांग्रेस पार्टी दम से देगी। ये पूर्व MLC दीपक सिंह से एक खास बातचीत रही। कांग्रेस के प्रत्याशी न आने से 24 घंटे 48 घंटे से लगातार मांग के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेसियों में निराशा नज़र आ रही। कैमरा जर्नलिस्ट सचिन मौर्य के साथ योगेंद्र श्रीवास्तव, इंडिया डेली लाइव, अमेठी।